पापा मुझे पता चला कि आपके 5 भाई थे, बाकी के 3 कहाँ गए? बेटे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे, कब? बेटे 2020 में एक बहुत खतरनाक वायरस आया था जिसका नाम था कोरोना। उससे पूरी दुनिया परेशान थी, सारी सरकारें परेशान थी, यहाँ तक कि अपना देश भी परेशान था। तो अपनी सरकार ने एक ऐसा फैसला किया कि लोगों को घर में रहना है, क्योंकि ये जो वायरस था ना, ये लोगों के छूने से फैल रहा था। तो बेटे बाकी के जो हमारे 3 भाई थे, उनकी गांड में था सुलेमानी कीड़ा। वो जनता कर्फ्यू का माहौल देखने बार बार बाहर निकल रहे थे गाड़ी और बाइकों से कि भाई फोटो खींचेंगे। तो जब वो बाहर घूम रहे थे तो बेटे थोड़ा सा कोरोना उनके अंदर घूम गया, तो उनमें से छोटे वालों का हमारे काम निपट गया। और दूसरे वाले? बेटे दूसरे वालों को था सिगरेट का शौक, तो वो बोले भाई मेरा तो खाना नहीं पच रही है जब तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। हम बोले अबे मत जाओ बाहर को। वो भैया बाहर निकल गए खाना पचाने, तो ना तो उन्हें सिगरेट का जुगाड़ हुआ ना ही उनका खाना पचा। 200-300 ग्राम उनके अंदर मेरे ख्याल से कोरोना पच गया, तो वो अभी निपट गए। और तीसरे वाले? बेटे तीसरे वाले भाई को तो हमारे ये लग रहा था कि देश की आज सबसे बड़ी छुट्टी है कि ससुराल जाऊंगा। हमने मना करा भाई आज मत जाओ, वो नहीं माना। हमसे तो गुस्से में मिलकर गया नहीं, बाहर दोनों जो भाई टहल रहे थे उनसे गले और हाथ मिला के चला गया। मेरे ख्याल से दोनों से 200-200 ग्राम कोरोना ले गया वो ससुराल। खुद तो निपटाई, ससुराल भी उस दिन खत्म हो गई। और उस टाइम पर आप दोनों क्या कर रहे थे? बेटे मैं तो घर में बैठ के सरकार की सारी बातों का पालन कर रहा था, खुद तो बची रहा था कोरोना से, दूसरों में भी फैलने से बचा रहा था, और इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे सबसे कह रहा था भैया घर में रहो। तो पापा जी आप? बेटा मैं मैं बताता हूँ तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे उस दिन। तुम्हारी पैदाइश कौन से महीने की है? नवंबर। नवंबर? कर्फ्यू लगा था मार्च में। अरे भाई साहब यार।